चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। एक अच्छा टॉपिक है हमारे पास ट्रायंगल और इसको हम पढ़ेंगे अभी। यह है हमारे पास ट्रायंगल। सबसे पहला पॉइंट ये आता है ट्रायंगल पढ़ने से पहले कि ट्रायंगल होता क्या है, है ना। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि ट्रायंगल रियल में होता क्या है, तो क्या ये ट्रायंगल कहलाएगा, क्या फिर ये ट्रायंगल कहलाएगा। पॉइंट ये निकलता है क्या हम कहेंगे कि जिसमें तीन भुजाएं होती हैं क्या वो ट्रायंगल होता है, या फिर जिसके अंदर तीन एंगल होते हैं क्या वो ट्रायंगल होता है, है ना। ये चीज वेरीफाई करते हैं। यदि हम कहेंगे तीन भुजाएं होती है वो ट्रायंगल होता है, तो दोस्त एक दो और तीन, ये तीन भुजाएं हो गई, लेकिन ये ट्रायंगल तो नहीं है, ये ट्रायंगल तो हमारा नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब बात करें जिसमें तीन भुजाएं होती है तो कैंसिल हो गया भाई यहां पे। दूसरा पॉइंट की यदि हम बात करें कि सर इसमें तीन एंगल होते हैं, एक दो और तीन, एक एंगल दो एंगल और तीन एंगल, तो क्या ये ट्रायंगल कहलाएगा, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। इसके अंदर एक पॉइंट निकलकर आता है, वो क्या आता है कि ऐसी तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, है ना, यानी कोई भी तीन आकृति हो जिसके अंदर तीन एंगल बनते हैं जो कि घिरी हुई हो, यानी चारों तीनों तरफ से बंद की गई हो, जिससे कि कोई ना बाहर निकल पाए और ना ही अंदर जा पाए, एक दो और ये तीन, जिसके अंदर तीन एंगल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो आकृति है, ये वाला जो फिगर है वो हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। क्लियर है इतना, ना कि ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, ये भी ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, ये वाला ट्रायंगल हमारा कहलाएगा। इधर क्लियर, दैट क्लियर ना। चलिए थोड़ा समझाते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसमें, है ना, जो प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी, तो सब कुछ इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल की हम बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, ट्रायंगल की हम बात करते हैं कि ट्रायंगल बनने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसके अंदर तीन भुजाएं होती हैं, कितनी होती है, साइड्स होती है हमारी, कितनी होती है, तीन साइड्स होती हैं। एंगल्स की बात करें, इसके अंदर तीन एंगल्स होते हैं, कितने, तीन एंगल्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल, ना कि इक्विलेटरल, ना कि आइसोस्केल्स, ना ही स्केलेन ट्रायंगल, ओनली बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है इसके अंदर, तीसरी प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो क्या है कि ट्रायंगल बनने के लिए, ट्रायंगल बनने के लिए कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी पड़ता है, ट्रायंगल बनने के लिए क्या होता है, जैसे हमने तीन, ये चार और ये थे पांच, किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल, किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। अब इसे कैसे करेंगे मेरी भाई, तीन भुजाओं का योगफल देखो, तीन और चार सात होता है जो कि पांच से बड़ा है, चार प्लस पांच जो कि बड़ा होता है तीन से, ठीक है, तीन प्लस पांच जो कि बड़ा होता है चार से, तो यहां पर ये जो कंडीशन है वेरीफाई हो रही है, तो पता कर सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल एग्जैक्ट बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी वाली हो गई, वो एक तीसरी प्रॉपर्टी हो गया। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि एंगल ऑफ सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, इसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, 180 कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे मैंने एक फिगर बनाया तो ये भी एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये कह दिया, ये कुछ हमने कह दिया 120, ये कह दिया 50 मत के इसको 30 कर लेते हैं ना, और ये बन गया हमारा कितना, 30 एंगल, ठीक है, इतना बन गया। तो एक चीज यहां से निकल कर आती है, पांचवा जो पॉइंट है वो यहां से निकल कर आता है कि जितना बड़ा एंगल होगा, यानी कि ये एंगल होता है 120 एंगल है यहां पे, सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके सामने की भुजा, जो भुजा होती है, साइड होती है, वो सबसे बड़ी कहलाती है, कितनी, इसको ए कहेंगे, इसको बी, इसको सी कहेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी कहलाएगी, ये वाली 120 के सामने भुजा कौन सी है, ये वाली कहलाएगी, यहां पे तो ए बी और सी, इसमें क्या है, बी सी है, वो सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, कैसा,
कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, इतना कह सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है आपका? क्या होगा इसमें 120 के सामने भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी कहलाएगी। और इसके अंदर एक पॉइंट क्या बताया, इसके तीन साइड्स होती है, तीन एंगल्स होते हैं, और चौथा कोई पॉइंट है आपका, कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए हमारे पास किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? इसके लिए बेसिक यदि फॉर्मूला यानी एरिया की हम बात करें, बेसिक फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसके अंदर ही आपने हाइट दे रखी है तो आप क्या निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसका जनरल एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना, एरिया निकालने का एकदम जनरल फॉर्मूला होता है जो आराम से इसके अंदर लग जाता है। इसकी बाकी प्रॉपर्टीज है वो पार्ट टू के अंदर बताएंगे। इतनी प्रॉपर्टी बताई इसका, पार्ट टू के अंदर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।